बनाएंगे वो भी सिर्फ चार इंग्रेडिएंट्स है। ऑफ कोर्स द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज ओरियो। तो यहाँ पे मैं 3 पैकेट ओरियो ली हूँ, आप लोग 2 भी ले सकते हो। एंड सारे ओरियो की पाउडर बना दो, एक पाउडर फाइन बनाना, ठीक है। एंड इस पाउडर में हम लोग डालेंगे 1.5 कप मिल्क एंड उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि जो आप लोग मिल्क डालोगे वो रूम टेम्परेचर में हो, ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा ना हो, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मेरा बैटर थोड़ा पतला हो गया था तो इधर मैंने 1 पैकेट ओरियो और मिक्स करके डाला। उसके बाद उस पे 1 स्पून मिल्क मेड एंड या वी विल ब्लेंड इट नाउ। ब्लेंड करने के बाद कुछ इस तरह से कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग डालेंगे बेकिंग पाउडर, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसके बिना तो केक फूलेगा ही नहीं। तो इधर मैंने डाला है 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ओके। एंड हम इसे वापस से ब्लेंड कर लेंगे। तो अब हमारा केक का बैटर हो चुका है रेडी एंड अब हम रेडी करेंगे केक टिन को। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, उसे स्प्रे करके अच्छे से केक टिन में मिक्स कर दिया एंड उस पर थोड़ा सा मैदा को स्प्रिंकल कर दिया। ये ध्यान रखना कि मैदा अच्छे से हर जगह लग जाए वरना केक चिपक जाएगा केक टिन पे। बस इसी के साथ हो गया हमारा केक का बैटर विद टिन रेडी। अब हम लोग बैटर को टिन में पोर कर लेंगे एंड उसके बाद इसको बेक में डालेंगे। बेक में डालने से पहले उस टिन को अच्छे से टैप कर लेना ताकि अंदर कोई एयर बबल्स ना हो। बस हो गया, अब इस केक को बेक करना है। तो बेक करने के लिए मैं यहाँ OTG यूज़ कर रही हूँ। इसका टेम्परेचर है 180 डिग्री सेल्सियस एंड टाइम इज 35 मिनट्स। मैंने यहाँ पे OTG को पहले ही प्रीहीट कर चुका था 10 मिनट्स के लिए। अब उसके बाद यहाँ पे मैं 35 मिनट्स के लिए बेक में डालूंगी। बेकिंग के वक्त सबसे बोरिंग काम होता है ये 35 मिनट्स वेट करना, जो फाइनली खत्म हुआ। अब हमारा केक हो चुका है फाइनली रेडी। डीमोल्ड करने से पहले उसको थोड़ा सा ठंडा कर देना वरना केक का हलवा बन जाएगा। मेरा केक का बहुत बार हलवा बन चुका है इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। या आर केक इज रेडी नाउ। लाइक एक बार ओरियो केक ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनता है, बेक बहुत अच्छे से होता है एंड या वी लव इट ओरियो केक। जब से मैंने बनाना सीखा है ना तब से वो मैदा वाला केक तो शायद ही कभी बनाया है ओरियो केक के बाद। इसको और टेस्टी बनाने के लिए ना मैं यहाँ पे चॉकलेट सिरप यूज़ कर रही हूँ एंड या आर ओरियो केक इज रेडी नाउ। एंजॉय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।